बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि आपने क्या गलती की थी कि आपका चैनल जो कि मोनेटाइजेशन के लिए आपने अप्लाई किया था वो रीयूज्ड में आ गया। उसको ऑलरेडी मैंने खुद फिक्स किया, मेरे अपने चैनल का जो गया था उसको रीयूज्ड आ गया, उसको मैंने खुद फिक्स किया। कैसे? तो साथ जो वीडियो या पिक्चर चल रही है ये मेरे अपने चैनल की है, और इस वीडियो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। मैंने दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं किया कि भाई आप फलां काम कर दें तो हो जाएगा, मतलब कि बिना कुछ देखे बिना कुछ किए। तो मैंने मेरे जो चैनल पे आया था रीयूज्ड उसकी स्टार्ट से मैंने वीडियो बनाई, यानी कि जो अब मुझे रीयूज्ड आया है तो मैंने स्टार्ट से वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि भैया देखे मेरे चैनल पे रीयूज्ड आ गया। तब फिर मैंने उसी दौरान उसकी जो फिक्स किया है यानी कि मोनेटाइज उस पर हो गया है, मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया वो मोनेटाइज भी हो गया। तो मैंने क्या किया है तो वो वीडियो अगर देख लें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने क्या पांच गलतियां की हैं जिससे वजह से रीयूज्ड आ गया। तो पहली आपको मैं बता दूं कि ये पांच गलतियां अगर आपके में आए तो चैनल मोनेटाइज भी हो सकता है, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा। पहली बात हम बात करते हैं, पहली गलती जो हम करते हैं, 7 दिनों में मुझे कितने सब्सक्राइबर मिले? 805 सब्सक्राइबर, ठीक है। और व्यूज़ जो आए हैं 4,46,910। और यहाँ पर मैं कस्टम में जाता हूँ, कस्टम में यहाँ पे 16, तो 16 फरवरी से 26 फरवरी तक जो मुझे मिले हैं अप्लाई कर देता हूँ 1,000 सब्सक्राइबर, यानी कि 10 दिनों का जो मेरा टारगेट था 7 से 10 दिनों का, वो मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे ये 7 दिनों में 10 दिनों में मुझे 1,000 सब्सक्राइबर मिले। शॉर्ट वीडियो और ओरिजिनल कॉन्टेंट, यानी शॉर्ट वीडियो जो किसी और की हो और ओरिजिनल कंटेंट आपको इस वजह से रीयूज्ड आ रहा है तो कैसे फिक्स करते हैं ये बाद में बात करें। तो नंबर दो पे हाफ़ क्लिप, अपनी हाफ़ क्लिप किसी और की, यानी कि 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट में से 30 सेकंड या 1 मिनट की किसी और की है और 4 मिनट की आपकी है, तो इससे भी रीयूज्ड आ जाता है। उसके बाद है वीडियो किसी और की है, बोल आप रहे हैं, यानी कि बैकग्राउंड या न्यूज़ वाली जो चैनल होते हैं या कुछ लोग न्यूज़ पर या किसी टॉपिक पर या जो के जियोग्राफिक चैनल होते हैं या कोई भी आप चैनल बना देते हैं और जिस पर आप बोल रहे होते हैं पीछे किसी और की वीडियो चल रही होती है, इससे भी रीयूज्ड आ जाता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रीयूज्ड आता है गेमिंग पर, यानी कि कोई भी आपका चैनल जो गेमिंग पर, फ़ोन की गेमिंग से, फ़ोन पर रिकॉर्ड की हुई हो गेमिंग चैनल वीडियो हो या फ़ोन पर की हुई रिकॉर्ड हो वीडियो या पीसी पर कोई भी गेम हो, पबजी, फ्री फायर, कोई भी गेम हो, यानी कोई भी आपका बगैर फेस के साथ या बगैर वॉइस के आपने इसको रिकॉर्ड किया और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिए तो ये भी रीयूज्ड में आ जाएगा। तो इसको कैसे फिक्स कर दें मैं बता दूँ अभी। कुछ नंबर पाँच पे आए, कुछ वीडियो अपनी हैं और कुछ वीडियो किसी और की हैं, यानी कि अगर आपके पास टोटल जो आपने अपलोड किए हैं वो है 30 वीडियो, 30 में से 5 वीडियो किसी और की हैं या 10 वीडियो किसी और की हैं और 20 आपकी हैं, तो इस वजह से लाजमी रीयूज्ड आएगा। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं तो बात करते हैं। तो अब बात करते हैं पांच इन गलतियों को फिक्स कैसे करते हैं। शॉर्ट वीडियो वाला सिंपल सा फंडा है, शॉर्ट वीडियो को आप सारी जितनी भी आएँ डिलीट कर दो। डिलीट करने से पहले आप उनके लिए अपील की वीडियो बना लें। अपील वाली वीडियो मैं कभी बना के दे दूँगा कैसे बनाते हैं, लेकिन जो मैंने अपील की है कैसे अपील करते हैं वो अगर वो वीडियो देखने तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख सकते हैं कि आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि कैसे मैंने अपील की है यूट्यूब वालों से। तो मतलब वो पूरी वीडियो जो इससे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वो देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि कैसे अपील कर दें। तो शॉर्ट वीडियो को डिलीट कर दें, जितनी भी शॉर्ट वीडियो है डिलीट करते वक्त आपने उनको मतलब रिकॉर्ड कर लेनी है और तब अपील के दौरान उसी को मतलब डिलीट कर देनी है, फिर आप अपील करें तो आपका चैनल 100% ये मोनेटाइज हो जाएगा। हाफ़ क्लिप अपनी है, हाफ़ क्लिप किसी और की, तो इसके लिए ये बेहतरीन तरीका है कि भाई आप यूट्यूब जब अपील करने लगें तो यूट्यूब वालों को दिखा दें कि ये जो वीडियो है इसमें मेरी हाफ़ अपनी है, हाफ़ किसी और की है, लेकिन मैंने इससे परमिशन ली हुई है, मुझे कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आया क्योंकि मैंने इससे परमिशन ली हुई, बस आपने वैसे ही कह देना। अगर आपकी किस्मत में ये थी कि आपको कोई स्ट्राइक किसी ने नहीं दिया है, कोई भी किसी की वीडियो, तो आप उसको कह दें भाई मैंने इससे परमिशन ली हुई है तो मैंने यूज़ किया है, लेकिन मेरी आप देख सकते हैं मेरा ओरिजिनल कॉन्टेंट है, मैं अपने फेस के साथ बोल रहा हूँ या अपने जो भी आप, तो उनको बता दें तो फिर वो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 100% होता है, कुछ यूट्यूब वाले इतना मतलब किसी पर सख्ती ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूट्यूब वाले कहते हैं कुछ तो आप अपना दिखाओ, तो इसलिए ये भी नंबर दो जो हाफ क्लिप अपनी है, हाफ क्लिप किसी और की, ये भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा।
तो नंबर तीन पर जो बात करते हैं, वीडियो किसी और की है बोल आप रहे हैं तो ये भी मोनेटाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई वीडियोज़ होती हैं जो कि कॉमन क्रिएटेड होती है, तो कुछ लोग करते हैं उसकी वीडियो ले लेते हैं, फिर वो यही मसला आ जाता है रीयूज्ड वाला। लेकिन रीयूज्ड इसलिए कॉमन क्रिएटेड का मकसद ही यही है कि आप उनको यूज़ कर सकें। तो अगर आपने वो वीडियो कोई भी है या आपने अगर किसी के मतलब क्रिएटेड कॉमन वाले भी से भी नहीं ली, तो फिर भी आप अगर आपके साथ फेस के साथ बोल रहे हैं या बैकग्राउंड में आप बोल रहे हैं वीडियो किसी और की चल रही है, तो अपील वाली वीडियो बना के उनको भेजें, उनको बताएं कि भाई ये मेरी वीडियो है, मैं खुद बोल रहा हूँ लेकिन ये मैंने उनसे परमिशन ली हुई है, जो भी कुछ आप जितना स्टोरी बना सकते हैं बना के उनको भेजें। तो 4 मिनट से ज़्यादा और 5 मिनट से कम वीडियो हो तो आप उनको सारा कुछ बताएं उस वीडियो में, तो वो भी मोनेटाइज हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, यूट्यूब वाले मैंने पहले भी कहा है कि इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करते, लेकिन यूट्यूब वाले कहते हैं कुछ तो अपना हो। तो गेमिंग चैनल ये तो बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। उनको थोड़ा सा वीडियो बनाओ अपने चैनल की, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो अपने यूट्यूब स्टूडियो की और उसके अपने चैनल की जो वीडियोज़ हैं सारा कुछ उनको दिखाओ, भाई ये देखे मेरी वीडियोज़ हैं, मेरा अपना खुद का है, फेस के साथ वीडियो बनानी लाजमी है, उसको बताओ भाई ये मेरी अपनी वीडियो है, सारा कुछ बताओ जो भी आपके चैनल में है। तो जो कुछ भी आपके चैनल में है या आपकी यूट्यूब स्टूडियो में, तो उनको दिखाओ, उनको प्रूफ करो कि ये भाई मेरा चैनल है, कोई किसी का मैंने यूज़ नहीं किया, तो ये मेरा चैनल प्लीज़ मोनेटाइज कर दें। तो 10 से 12 घंटों में मोनेटाइज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ वीडियो अपनी हैं, कुछ वीडियो किसी और की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अगर आपने 10 वीडियो भी डिलीट की या एक वीडियो भी डिलीट की किसी और वाली या जो भी, तो उसका वॉच टाइम ड्रॉप हो जाएगा। तो वॉच टाइम ड्रॉप हो जाएगा ज़ाहिर, अगर आपने 10 वीडियो किसी और के अपलोड किए, 10 मतलब कि किसी का 4000 घंटा जो वॉच टाइम होता है एक वीडियो से भी पूरा हो जाता है, तो एक वीडियो से भी पूरा हो जाता है। तो अब ये बात है कि इम्पॉर्टेंट कि आपने जितनी भी किसी और की पूरी वीडियो है वो लाजमी आपने डिलीट करनी होगी, अदरवाइज़ कोई हल नहीं है इसका। तो इसके लिए आपने जो भी वीडियो है वो डिलीट कर दें, उसके बाद जो वॉच टाइम ड्रॉप होता है यानी कि अगर 300-400 घंटा ड्रॉप ही हो जाता है, तो आप फिर अपने दोस्त या किसी को जो आपका भाई किसी और कंट्री रह रहा हो या जो भी, तो उसको कहें VPN लगा के, या कोई भी अगर किसी और कंट्री में रह रहा हो तो फिर तो बेस्ट है वैसे भी, मतलब उसका IP एड्रेस और उसका कंट्री चेंज हो जाएगा, तो उसको कहो मेरी वीडियो देख ले, तो मतलब वो बार बार भी देखे कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, उसको बार बार दे के मतलब कि उसको लगा के रख दे 300-400 घंटा, उसको कहो भी 3 से 4 दिनों में मुझे पूरा कर दे, तो वो हो जाता है 4-5 टैब में खोल दे, अगर उसके पास लैपटॉप या PC जो भी है तो 3-4 टैब में खोल के रख दे, 3 से 4 दिनों में 300-400 घंटा इजीली हो जाएगा। तो 3-4 टैब बना के रख दे तो हो जाएगा, तो ये भी बहुत इजी है। अगर किसी को समझ ना आई, अगर किसी को समझ नहीं आई, तो मैंने साथ इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, साथ इंस्टाग्राम पर आप मुझे उससे रब्ता कर सकते हैं भाई चैनल। अगर आपने साल की मेहनत की हुई है, अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए इस वीडियो, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। मैं कोई भी मतलब किसी को मैं कोशिश करता हूं टाइम पर रिप्लाई करूं, लेकिन कभी कभी होता है कि मतलब कि आपका मेरा जो कंट्री है आप साउथ अफ्रीका है, टाइम जो होता है टाइम के हिसाब से मतलब कि जब मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तभी रिप्लाई करता हूँ, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, चाहे कॉमेंट हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे व्हाट्सएप पर, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो अगर आपको फिर भी समझ ना आए इस वीडियो तो मैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या कहीं पे भी मैसेज करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।